छत्तीसगढ़ के फिल्म जगत को अपनी फिल्मों के माध्यम से नई पहचान देने वाले सफल निर्माता निर्देशक सतीश जैन की फिल्म मया कल 12 जून को पूरे प्रदेश में रिलीज हो रही है। फिल्म के निर्माता राकेश दासवानी और प्रकाश अवस्थी के साथ स्वतंत्र निर्देशन में बनी अपनी पहली फिल्म मया के बारे में आज पत्रकारों से चर्चा करते हुए सतीश जैन ने बताया कि यह फिल्म दो भाइयों और पारिवारिक रिश्तों पर केंद्रित मार्मिक फिल्म है। 12 जून को कल रिलीज हो रही है रायपुर के श्याम टाकीज में, प्रशांत धमतरी में, कवर्धा में, मां भुवनेश्वरी टाकीज में और विनय टाकीज बालोद में। पारिवारिक फिल्म कहानी है, जैसा कि अक्सर मैं फिल्में बनाता हूं, सैया भुया या जनबोल बनाता हूं, मैंने पारिवारिक पृष्ठभूमि की कहानी बनाई थी। ये कहानी भी दो भाई और उनके परिवार के आपसी रिश्तों के, खट्टे मीठे रिश्तों की, नोकझोंक की और प्यार की, तकरार की, दुलार की ये कहानी है। छत्तीसगढ़ के फिल्म जगत और यहां के कलाकारों के उज्जवल भविष्य को लेकर सतीश जैन ने छत्तीसगढ़ सरकार से आग्रह किया है कि वह इस दिशा में सार्थक पहल करे। मैं चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ी फिल्मों को दूरदर्शन में दिखाया जाए और उसके बदले में छत्तीसगढ़ी फिल्मों को सब्सिडी दी जाए, फ्री में नहीं, दूरदर्शन में दिखाएं और बदले में हमें जो फिल्म बनाया है उस फिल्म को सब्सिडी के रूप में 10 लाख रुपए दें, जो कम से कम एक फिल्म बना चुका है। हर भाषा में, हर प्रांत में अपनी भाषा को, फिल्मों को सरकार सपोर्ट करती है। मुझे हैरानी है कि अभी तक हमारी छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ सरकार हमें, हमारी तरफ उतना ध्यान नहीं दे रही, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी सरकार, छत्तीसगढ़ की सरकार हमारी तरफ ध्यान देगी। फिल्म के मुख्य कलाकार अनु शर्मा ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि सतीश जैन के निर्देशन में बनी यह फिल्म पूरे समाज को समर्पित है। ये हमारी वही टीम है जो अभी तक सक्सेसफुली फिल्म करते आई है, तो पहले से तो कॉन्फिडेंस था और फिल्म की स्टोरी जो है बिल्कुल छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई स्टोरी है। और इससे पहले जो हमने दो फिल्में की थी, मोर छैया भुइयां, वो धरती माँ के लिए फिल्म थी, दूसरी फिल्म हमने की थी झनभूलो माँ बाप लो अपने पेरेंट्स के लिए फिल्म थी। ये फिल्म जो है पूरे समाज के लिए है और सतीश जी के साथ सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी वो कोई फिल्म करते हैं तो उस फिल्म में पूरी तरह से एंटरटेनमेंट तो वो रखते ही हैं, क्योंकि फिल्म देखने आदमी एंटरटेनमेंट के लिए जाता है और एंटरटेनमेंट के साथ जब आप घर वापस जाते हैं तो कोई मैसेज अगर आपके साथ जाए तो ये बड़ी अच्छी बात होती है, तो इस फिल्म में भी कुछ मैसेज है। मया के निर्माता प्रकाश अवस्थी ने पत्रकारों को बताया कि न्यूनतम बजट में बनी यह फिल्म लोगों को पसंद आएगी, ऐसा उन्हें विश्वास है। मेरा सबसे पहला मकसद ये है कि जैसे कि हर जगह रीजनल फिल्में आज ग्रो कर रही हैं, यहाँ पे भी बहुत सारे कलाकार हैं और मैं चूंकि कलाकार हूँ तो कहीं ना कहीं कलाकार के मन में होता है कि चाहे वो थिएटर का आर्टिस्ट हो चाहे कोई भी हो, उसका सबसे आखिरी लक्ष्य होता है फिल्म। और छत्तीसगढ़ में मोर छैया भुइयां से सतीश जैन ने फिर से फिल्में बनानी शुरू करी और कहीं ना कहीं कुछ कारणों से यहाँ पे फिल्में बननी बंद हो गई थी। उसका एक बहुत बड़ा कारण था कि यहाँ पे बजट नहीं हो पाता था कि 40-50 लाख कोई खर्चा करे, वो पैसा निकल नहीं पाता था क्योंकि हमारे पास सेंटर्स बहुत कम है। लेकिन हम लोगों ने एक नया टेक्निक ईजाद किया, हाई डेफिनेशन पर फिल्म बना के यूएफओ के थ्रू फिल्म लाते हैं और उसमें बहुत कम बजट में फिल्में बनती हैं और फिल्में रिलीज करते हैं और उस तरीके से एक बार फिर से यहाँ पे फिल्में बननी शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ के फिल्म निर्माता आर्थिक रूप से कमजोर ना पड़े, इसके लिए उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार से सहयोग भी मांगा है। मैं सरकार से बहुत एक बड़ी बात बोलना चाहता हूं और रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि यहां पे छत्तीसगढ़ के जो फिल्मकार हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, उनका जो फिल्म में जो पैसा लगाते हैं वो नहीं निकल पाता, कारण कि गांव में हमारे दर्शक हैं और वहां तक हमारी फिल्में पहुंच नहीं पाती। तो किसी भी तरीके से सरकार हमको कोई ऐसी सुविधा प्रदान करे, जैसे कि हमको लाइसेंस लेने में, अगर हम टूरिंग टैकेज का लाइसेंस लेने जाते हैं तो बहुत कॉम्प्लिकेशन है उसमें, तो हम अपना पैसा निकालने के लिए गांव में किसी भी माध्यम से टूरिंग टैकेज लगाएं और पैसा निकाल लें, अगर इसके लिए हमको परमिशन मिल जाए तो मुझे लगता है कि यहां पे हम फिल्में बनाते रहेंगे और वो फिल्में चलती रहेंगे। तो प्लीज मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं सरकार से कि वो इस चीज का परमिशन हमें दें। मतलब के वो सेवा बजा जा रे ना, मतलब के
मैं राम लौटा थे बलाराम, वो जिंदगी के अब एक ही मतलब है, ये दोनों भाई के बर्बादी। छत्तीसगढ़ी फिल्म जगत में 12 जून को रिलीज हो रही सतीश जैन द्वारा निर्देशित फिल्म मया किस हद तक दर्शकों को पसंद आती है यह जानने के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। बहरहाल इतना जरूर समझा जा सकता है कि मया की सफलता पर न सिर्फ फिल्म की पूरी यूनिट वरन छत्तीसगढ़ फिल्म जगत से जुड़े सभी कलाकारों और तकनीशियनों की निगाहें टिकी हुई हैं। हेलो रायपुर के लिए मुकेश वर्मा।